हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज का ये सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। हम अपने एक ऐसे स्टूडेंट से आज मुलाकात करेंगे जो कि सफल हैं डेफिनेटली। और सफल स्टूडेंट्स से जब हमारी मुलाकात होती है तो उनके जो लाइफ लेसन्स हैं, उनका जो अप्रोच रहा, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, वो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सीख होती है। तो इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे कुंदन से। और कुंदन जो है वो करियर विल ऐप से जुड़े थे फरवरी 2019 में। उसके पहले वो ऑलरेडी जॉब में थे, ग्रुप डी की जॉब में थे। और उनके एक मित्र ने उन्हें करियर विल ऐप के बारे में बताया। उन्होंने पढ़ाई शुरू करी और फिर वो पढ़ाई शुरू करने के 9-10 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी पहली सफलता अर्जित कर ली। आज कुंदन जो है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है इंडियन रेलवेज में। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कुंदन को, और कुंदन अब शुरुआत करेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में आपको बताने की। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें कि करियर विल के बारे में आपको पता कैसे चला, बिकॉज आप बिल्कुल शुरुआत में जुड़े स्टूडेंट थे जी। तो कैसे ये जानकारी आपको मिली और कैसे ये जर्नी शुरू हुई जी? थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मेरी शुरुआत करियर विल में 14 फरवरी 2019 को हुई, लेकिन उससे पहले सर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि सर मैं 2016 में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पास करके केरल के एर्नाकुलम में ज्वाइनिंग किया सर। ओके। उसके बाद सर ग्रुप डी में काम का काफी तनाव, काफी प्रेशर रहता था, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं लाइफ में कुछ आगे कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा जीवन पटरी से शुरू हुआ है और अब पटरी पे कभी खत्म हो जाएगा। ओके। क्योंकि थोड़ा सा बताएं उस जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या काम जी? बिल्कुल सर। सर ट्रैकमैन में क्या होता है कि सर आपको पटरी पे चलना होता है, पटरी पे ही आपकी सारी काम होती है। okay. पटरी के बाहर आपका कुछ काम ही नहीं है। आपकी सुबह 7:30 बजे ड्यूटी स्टार्ट पटरी पे होगी और शाम को 5:30 बजे आपकी जो काम है वो पटरी पे समाप्त हो जाएगी। okay. यानी आपको कोई छाया या कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां पे आप अपने आप को आराम दे सके। बिल्कुल। क्योंकि आपको धूप में काम करना है, अगर बारिश हो रही है तो बारिश में काम करना है, और मानसून के समय जून जुलाई और अगस्त के महीने में केरल में या अन्य राज्यों में भी मानसून पेट्रोलिंग होती है। ओके। अर्थात रात को आपको पटरी पे चलना होगा, आपको चेक करते रहना होगा कहीं कोई पटरी में फॉल्ट तो नहीं है। ओके। कहीं पटरी में दरार तो नहीं पड़ गई है या कोई भी ऐसा घटना जो अनहोनी ना हो जाए, बिल्कुल ये आपको चेक करना होता है। इसके लिए आपको सारा रात पटरी पर गश्ती लगानी होती है, पेट्रोलिंग करना होता है सर। तो बहुत ही टफ जॉब था सर मेरे लिए। रात को मैं पेट्रोलिंग करता था 3 महीने, और इधर अन्य 9 महीनों में दिन में धूप में काम करना होता था पटरी पर। आपको पीछे कंधे पर 15 किलो का सामान रखकर चलना होता है, आपके हाथ में हथौड़े है, स्पैनर है, आपको पटरी पर चलना है, और चलना है मतलब मिनिमम 10-20 किलोमीटर सर, 10-20 किलोमीटर में रोज चलता था, और वो भी धूप में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं सर कि इतना थकावट के बाद घर आकर शाम को पढ़ने की इच्छा होती ही नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि आप जब सारा दिन काम कर रहे होते हैं, शारीरिक थकावट होती है, तो आपका मन आपका साथ नहीं देता है। आपको सर ऐसा लगता है कि आप घर आकर सिर्फ सो जाएं और कोई आपको खाना बनाकर सब कुछ तैयार करके दे और आप सिर्फ खाना खाएं और सो जाएं। इसके अलावा सर कुछ मन नहीं करता है। और मैं सर बताना चाहूंगा कि सर मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है और एक बेटा है। ओके। तो पारिवारिक माहौल और काम का माहौल, इन दोनों के साथ समन्वय बनाना काफी कठिन होता है। शादी कब हुई? सर मेरी शादी 2015 के फरवरी में हुई थी सर। ओके। और जॉब आपकी ये शुरू हुई 2016 के अगस्त में सर जी। मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी का भी दायित्व तो था, और साथ ही साथ इस तरह की टास्क को टैक्सिंग जॉब कहते हैं, बिकॉज़ आप लगातार 15-20 किलोमीटर चल रहे हैं जी, और ऐसी परिस्थितियों जी सर। ओके। तो सर शादी के बाद मेरी पत्नी का काफी सहयोग रहा है, मतलब पढ़ाई के लिए उन्होंने मुझे काफी सहयोग किया। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, और मैं आपके साथ हूँ, और आज कहीं ना कहीं उनका काफी सपोर्ट है, बोलकर आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। तो 2016 के अगस्त में जब मैंने ज्वाइनिंग किया, तो ये जो काम का प्रेशर था, पारिवारिक दायित्व, काम का दायित्व, इन दोनों के बीच समन्वय बैठाना काफी कठिन हो रहा था सर मेरे लिए। मैं बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था, बहुत ही मायूस था कि क्या मेरे जीवन का अंत यही है, क्या मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसी तरह पटरी पर चलता रह जाऊंगा, क्या मेरा जीवन ट्रेन की तरह हमेशा पटरी पर दौड़ती रहेगी। तो मैं काफी फ्रस्ट्रेशन था जीवन में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था कि चलो कुछ कोई एग्जाम छोटा मोटा आ जाए तो मैं निकल कर डिपार्टमेंट चेंज कर लूं। बिल्कुल। मतलब उस समय ये अभिलाषा थी कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे भी चेंज हो जाए, पटरी से मुक्ति मिले। आगे कुछ बनना या नहीं बनना ये मुझे पता नहीं था सर, बस मुझे पटरी से मुक्ति मिल जाए, कैसे भी कोई भी एग्जाम छोटा मोटा पास करके मुझे पटरी से मुक्ति मिल जाए, जॉब्स को मतलब छोड़ना चाहता था। क्योंकि मैं जी सर इसलिए नहीं कि मैं काम से भाग रहा था, इसलिए क्योंकि सर जान का थोड़ा खतरा था सर, क्योंकि अपनी आंखों के सामने मैंने कई ट्रैकमैन को कटते हुए मरते हुए देखा है, और अक्सर सर पेट्रोलिंग के दौरान मुझे पटरी पर डेड बॉडी मिल जाते थे, उन्हें भी देखना है,
मैं अपने सुपीरियर को फोन करता था तो बोलता था जब तक आरपीएफ या जीआरपी ना आए आप वहां पर उसे रखवाली करो या उसको साइड कर दो। तो ये सब आप समझ सकते हैं कितनी मानसिक तनाव से मैं गुजरा उस समय। तो उसी दौर में मेरा एक फ्रेंड 2019 में फरवरी में मेरे घर आया, 14th February 2019। सर वो डेट मेरे लिए बहुत यादगार है क्योंकि वही वो दिन है जहां से मेरे जीवन का वास्तविक शुरुआत हुआ। तो वो मेरे घर आया, उसने मुझे बताया कि करियर विल वेक के बारे में, लेकिन उससे पहले उसने मुझे काफी डांटा। अच्छा। कि मैं कहां आके फंस गया हूँ, क्यों तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्यों आगे के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्यों मैं अपने इस वर्तमान जॉब से खुश हूँ, तुमने एमए क्या इसी दिन के लिए किया था, मास्टर डिग्री हासिल करके तुमको अगर पटरी पर चलना था तो 10 पास करके पढ़ाई छोड़ देते, क्यों तुमने बीए किया, क्यों तुमने एमए किया। वो मुझे काफी डांटा। और एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करे। अच्छे दोस्त का कर्तव्य निभाया सर उसने। बिल्कुल सर, मैं अभी सबसे अच्छा दोस्त उसी को मानता हूँ क्योंकि उसका एक प्रोत्साहन और उसका जो सपोर्ट था वो आज मुझे सर आपसे मिलाने के लिए कारगर रहा है। तो सर मैं उसने मुझे काफी डांटा उस दिन, काफी इतना डांटा मेरी पत्नी के सामने में कि मैं इधर रोने लगा। और मेरी वाइफ भी सोची यार ये इंसान पहली बार रो रहा है। उसके बाद सर मैं उसको बोला कि ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बताओ मुझे आगे क्या करना है, मैं जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो उसने मुझे मेरा मोबाइल मांगा, मेरे मोबाइल से जितने अननेसेसरी एप्स थे वो सभी डिलीट कर दिए। बोले मोबाइल में भंडार बना के रखा हुआ है, भंडारा लगा दिया है, इतना सारा क्या ऐप है, कौन काम का है, वो सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए। जो मोबाइल में एप्लीकेशंस होते वो था, बाकी सारे अननेसेसरी एप्स अनइंस्टॉल कर दिए। फिर उसने कैरियर विल ऐप डाउनलोड किया। कैरियर विल ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने अपना एटीएम कार्ड निकाला, एटीएम से उसी समय उन्होंने पेमेंट किया और उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसा उसी दिन देना जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं पैसा देने से भागूंगा तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा। तो उसने मेरी मनोभावनाओं को समझा कि शायद मैं खर्च से डर रहा हूँ इसलिए आगे की तैयारी नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन या कोई भी अन्य कारणों से। तो मैं मुझे ये भी लगता था सर पहले कि कहीं ऑनलाइन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं अन्य मतलब टीचर्स के जो एडमिशन तो ले लेते लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वही कोई किताब लेके पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा भागता भी था ऑनलाइन क्लासेस से। लेकिन उन्होंने करियर विल ऐप डाउनलोड करके आपके इंग्लिश स्पेशल थर्ड बैच मुझे उसमें इनरोल करवाया सर। उस बैच में इनरोल होने के बाद फिर उसने मुझे मुझसे कहा कि इस बैच में ज्वाइन करना ही उपलब्ध मतलब ये नहीं है, सक्सेस नहीं है। सक्सेस तभी मिलेगी जब इस बैच को मुझे कंटिन्यू देखना है, हर एक वीडियोस को हर एक क्लासेस को पर डे देखना है। किन्हीं कारणों से अगर मैं नहीं देख पाता हूं तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, कभी भी टाइम मिले जब भी फुर्सत मिले तो टाइम निकालकर देखकर उसका नोट्स तैयार करना है। अगर आप नोट्स तैयार नहीं करते हो तो फिर आपको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो समझना कि वो वीडियो तुमने देखा ही नहीं, इस तरह उसने मुझसे कहा। और तुम्हारा डांटने का तरीका भी सर अलग है, मतलब इस तरह कहा जैसे लग रहा है कि वो मेरा सर है या पिताजी है, मतलब डांट डपट के बोल रहा हर बात सर। और मैं काफी पूरे हक के साथ मतलब अच्छा लग रहा था। पहली सफलता फिर कब मिली आपको? तो सर मात्र 6 महीने में। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब जंग लगा हुआ चीज मेरे दिमाग में जो जंग लग गया था उस जंग को घिसने का काम किया आपका जो 6 मंथ का उस समय जो कोर्स था, दोनों वीडियो लोकल स्पेशल इंग्लिश स्पेशल, उस जंग को रगड़ दिया सर। और जंग को ऐसा रगड़ा के चमकने लगा। 2019 का नवंबर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी आया, प्रीलिम्स में उसी से पास हो गया एक ही अटेम्प्ट में। जी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास हुआ सर। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया कि जो लड़का इंग्लिश से भाग रहा था अब वो इंग्लिश में एग्जाम देकर पास हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने मेंस के एग्जाम दिया, मेंस भी मैंने क्वालिफाई कर लिया सर। 2020 की बात है जबकि कोरोना काल उस समय स्टार्टिंग पीरियड पर था सर। तो आपके इस दोनों बैच के कारण मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट का एग्जाम 2 बार से मैंने क्वालिफाई किया है। दोनों बार से मैं डीवी तक पहुंचा। दोनों बार डीवी कंप्लीट भी हुआ। उसके डीवी कंप्लीट होने के बाद सर फाइनल मेरिट में कुछ एक अंक से भी मेरा रह गया क्योंकि अब सर काम का दबाव समझ सकते हैं कि पारिवारिक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रोकना चाहूंगा जी। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो पैटर्न है एग्जाम का, इसको थोड़ा बताएं क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स उनको पता लगे कि भाई इसमें क्या जरूरत है, हमें किन तरह के स्किल्स चाहिए या लैंग्वेज का क्या रोल है इंग्लिश का। सर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। और यह एग्जाम का फॉर्म नवंबर के महीने में आता है, लगभग नवंबर टू दिसंबर। और आपको एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम के लिए 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर वन में आपके 200 अंक के प्रश्न होंगे। 200 अंक के पहले 100 अंक हिंदी ग्रामर और बाद के 100 अंक इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में आपको अच्छा नॉलेज रखना होगा। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे 200, टाइम होंगे 2 घंटे। 200 प्रश्नों में आपको
100-100 अंक के हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पेपर टू में आपको दो भाग होते हैं, एक हिंदी सेक्शन, हिंदी सेक्शन और दो दूसरा इंग्लिश सेक्शन है। हिंदी सेक्शन में 50 नंबर के ट्रांसलेशन और 50 नंबर के एसे आएंगे। ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे में आपको हिंदी में एक निबंध लिखने होंगे। उसी प्रकार फिर 100 नंबर के जो इंग्लिश पेपर है उसमें 50 नंबर का ट्रांसलेशन करने आपको इंग्लिश से हिंदी और 50 नंबर के आपको ऐसे इंग्लिश में लिखने हैं। चार चार टॉपिक दिए जाते हैं, हिंदी के अलग इंग्लिश के अलग, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। तो कुल मिलाकर से देखा जाए तो इसके लिए आपको इंग्लिश का ग्रामेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही, इसके अलावा आपको थोड़ा वह भी नॉलेज चाहिए जिसमें आप किसी चीज को व्याख्यान कर सकते हैं, किसी चीज को आप लिख सकते हैं विस्तार से। सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा, वोकैबुलरी की वोकैबुलरी की भी जरूरत है। बिल्कुल सर, वहां पे कौन सा शब्द, इसलिए तो सर मैंने आपका वोकैबुलरी बैच ज्वाइन किया क्योंकि शब्द शक्ति की कमी थी मेरे अंदर। पहले क्या था कि शुरुआती दौर में जब स्कूल लाइफ में थे तो कहा जाता था, हालांकि मेरे पापा लोग भी बोलते थे कि रोज 10 क्वेश्चन, रोज 10 वर्ड याद करो, तो सेशंस में भी हाँ ये हमेशा बोले हैं। तो वही तो नए साल में है बेटा, नई कॉपी बनाओ, रोज 10 वर्ड लिखो, महीने में 300 हो जाएंगे, साल में 3600 हो जाएंगे, बट वो 5 जनवरी के बाद वो कंटिन्यू नहीं रह पाती, नहीं रह पाती है। और कंटिन्यू जो रखता भी है तो खुद में याद नहीं रह पाती है, कैसे आप एसोसिएट करोगे वर्ड को। हिंदी मीनिंग जो मैं बार बार कहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से बंद करो, जी जी जी, तो उसका कोई फायदा नहीं जी जी तक आप ईश्वर। हाँ, हमारे स्कूल लाइफ में और बचपन के लाइफ में ये सब सिखाया जाता है तो हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि वो उस स्कूल लाइफ तक तो ठीक है क्योंकि लिमिटेड वर्ड स्कूल में पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन जब आप बाहरी जिंदगी में आते हैं, जब आप वर्किंग सेक्टर में आते हैं तो वहां शब्दों की कमी नहीं होती सर, वहां असंख्य शब्दों का प्रयोग करना होता है। कब कहां कौन सा शब्द आ जाएगा उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि आप हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, लगता है कि काश ये जमीन फट गया होता, आसमानों में निकल गई होती। तो सर ये वाला फीलिंग्स मेरा उस समय तब समझ में आया जब आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसकी अर्जेंसी का एहसास जी सर मेरे स्टूडेंट हैं अगर आप, तो वो गरीबी का एहसास नहीं होना चाहिए, अमीरियत रहे शब्दों की, जो भी भाव है उसको आप व्यक्त कर सके। जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब कि आपने पहले अटेम्प्ट में कोर्स शुरू करने के बाद दो बार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम क्लियर डिग्री कंप्लीट किया, बिल्कुल सर, मतलब इस तरह की जॉब करते हुए। और ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कई बार छोटी छोटी असफलताओं से भी डर जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि कुंदन, एक तो कुंदन का नाम बिल्कुल प्योर गोल्ड है ये, और नाम के हिसाब से इन्होंने अभी तक जीवन में उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। तो जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि आप देखिए इस तरह की जॉब करते हुए जो इतनी टैक्सिंग है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकली इमोशनली यू नो मेंटली इतना प्रेशर, कई बार आप रात के अंधेरे में हैं अकेले, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं बताई, डेड बॉडीज का मिलना, बहुत बार जानवर भी कटे मिलते होंगे, तो इस तरह की जॉब करते हुए और एक जिसको हम कहते हैं शादीशुदा जिंदगी जीते हुए, पारिवारिक जिंदगी जीते हुए, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद अगर इन्होंने ये हासिल किया है तो हम सब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम सब हासिल कर सकते हैं। सो हाँ, आगे की जर्नी बताएं आप। सिलेक्शन दो बार सिलेक्शन होने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल हाई लेवल पर था सर, और मेरे मोटिवेशन के अंदर इस बढ़ोतरी का एक कारण ये भी है सर कि आपके हर वीडियोज में अपने हर उन पोर्शन पर आपने चर्चा किया है जो मैं अपने अंदर फील किया हूँ। जैसे आपने हमेशा सभी ये सभी युवाओं का जो कमजोरी होता है ना कि आत्मविश्वास की कमी, उस पर आपने हमेशा प्रकाश डाला है सर। आप हमेशा उस चीजों को वर्णन किए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, जैसे कि समाज के लोग जब हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं, या अपने घर वाले हमसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, या हमें ऐसी फील होती है कि हमें ये वर्ड नहीं आता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या सेंटेंस लिखना नहीं आता हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन सब चीजों को आप विस्तार से बताए हैं कि आप हर कुछ कर सकते हैं, बस आपके पास शब्द शक्ति होनी चाहिए, आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, आपके पास वर्ड कैपेसिटी होनी चाहिए, तो हर कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी ईंटें होगी तो हम घर तैयार कर सकते हैं, अगर हमारे पास ईंटें ही नहीं है तो हम घर कहां से तैयार करेंगे। और यहाँ ईंट का तात्पर्य शब्दों से है, जब हमारे पास शब्द शक्ति है, हमें पता है कि उसे उन ईंटों को सीमेंट से जोड़ना है, वो सीमेंट का काम ग्रामर कर रहा है, ये सभी चीज सर मैंने आपसे सीखी सर, ये सभी शब्द सर बिल्कुल ये आपके शब्द सर जो आप हमें दिए हैं क्लासेस के दौरान, और देखिए 3 साल हो गया लेकिन आज भी सर मुझे सभी बातें अभी भी याद है सर, मुझे बहुत खुशी है जी सर, ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर, अच्छी लगती है भाई जो मेहनत हम करते हैं जी सर, वो पहुंच रही है और वो अभी तक ध्यान में है आपको जी सर, और शायद यही रीजन है कि आप इस सफलता के इस स्तर तक पहुंचे, और मुझे लगता है कि अभी आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसको जरूर कैपिटलाइज करेंगे उस जी सर। तो फिर मतलब कि कोरोना काल के दौरान भी सर मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया, आपके वीडियोस को देखा, आपके सभी नोट्स को पढ़ा। कोरोना काल हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभिशाप हो लेकिन मैं अपने लिए वरदान समझता हूँ, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जब ट्रेनों की संख्या कम गई थी
तो ड्यूटी के दौरान भी मैं पढ़ाई कर रहा था, हालांकि ये ऑन स्क्रीन मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं ड्यूटी के दौरान पढ़ रहा था, लेकिन जब भी समय मिलता था मुझे ड्यूटी के दौरान जब जो समय मिलता था उस समय मैं उस समय को यूटिलाइज करता था, मैं समय को बर्बाद नहीं किया। मुझे सर जब भी समय मिला मैंने उस समय को यूटिलाइज किया, उसको मैंने पढ़ा है सर। बिल्कुल। सो मैं जानना चाहूंगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं कई बार उनको पता भी नहीं होता है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है जी। तो उन्हें ये जैसे एग्जाम का पैटर्न तो आपने बता दिया जी, लेकिन सिलेक्शन के बाद वहाँ पे किस तरह का काम होता है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप बता दें जी। जी जी सर, ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर बनने के बाद आपको तीन काम दिए जाते हैं, एक आपको ट्रेनिंग करवानी है, एक ट्रांसलेशन करनी है और एक इम्प्लीमेंटेशन करना है। ट्रेनिंग, ट्रांसलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जी। ट्रेनिंग मतलब सर जिनको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है उनको हिंदी सिखानी है और उनको हिंदी में ज्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ाना है, सिर्फ कार्यालय में हिंदी सिखानी है कि ऑफिशियल वर्क कर सके। बिल्कुल। और ट्रांसलेशन मतलब आपको वाइस वर्सा करनी होती है, अगर इंग्लिश में पत्र आए हैं तो हिंदी तक ट्रांसलेशन करना है और हिंदी पत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको भेजना है। ये दो काम हो गए और अंतिम काम इम्प्लीमेंटेशन है, अर्थात ग्राउंड लेवल पर जाकर आपको इम्प्लीमेंट करना है, हिंदी का चेकअप चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है कि हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन हो या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके जी, ये तीन मुख्य काम, ये तीन मुख्य काम है। जो अगला सवाल मेरे मन में आ रहा है और कल मैंने अपने बैच में भी ये डिस्कस किया था कि हमारे शुरुआती स्टूडेंट जैसे करियर व्हील की जब जर्नी शुरू हुई तो उन्होंने भी जर्नी शुरू की करियर व्हील के साथ कुंदन और उनसे मुलाकात होगी, थोड़ा सा ब्रीफ आपके बारे में किया मैंने जी। तो स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि भाई क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके मन में ये जरूर होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी करी जी। और क्योंकि आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन में लैंग्वेज का ही रोल है, इंग्लिश का रोल है जी। और इंग्लिश बहुत सारे लोगों को परेशान करता है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ग्रुप डी के जॉब के लिए इसीलिए चले जाते हैं, वहां इंग्लिश नहीं पूछी जाती तो और आप भी उसी दौर से गुजरे, आपके मन में भी वो भय था जी सर। बिल्कुल। जर्नी भी आपने इसीलिए शुरू करी। बिल्कुल सर। और जर्नी शुरू करने के 8 महीने के अंदर आपने एग्जाम क्लियर कर लिए, आखिरी स्टेज तक पहुंच गए, तो जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि फ्रूटफुल होगी। तो थोड़ा सा जरूर अंग्रेजी में प्रकाश डालें कि बातें तो बताता मैं सभी को हूँ भाई, हम सारे जो फैकल्टीज हैं ज्ञान तो सभी को मिलता है, लेकिन सफलता उस स्टूडेंट को मिलती है जो उस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो बताएं एक बार स्ट्रेटजी क्या थी आपकी। सर मैं जब आपका बैच ज्वाइन किया, बैच ज्वाइन करने के बाद मैं सिर्फ वीडियो को देखता नहीं था बल्कि उसे नोट्स भी करता था। और सर सिर्फ नोट्स करने से आप कोई चीज सीख नहीं जाते हैं, उस नोट्स को आपको फॉलो करते हुए आप जो हैंडआउट देते हैं उसको मैं सॉल्व करता था। इसके अलावा भी मैं जो प्रीवियस पेपर्स है उसको सॉल्व करता था। मैं देखता था कि मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ, अगर मैं कहीं फंस रहा हूँ तो मेरे पास समय है अभी, मैं उस वीडियो को रिपीट करके देखता था कि मैं किस कॉन्सेप्ट में फंस रहा हूँ। तो सर मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप नोट्स जरूर तैयार करें। आप अगर लेट कर वीडियो देख रहे हैं, सोकर वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनट वीडियो देखकर आप बाथरूम चले गए, नहाने चले गए, खाना खाने चले गए, इस तरह पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अर्थात आपको नियमितता चाहिए, आपको उसमें नियमित होना पड़ेगा। वीडियो आप टाइम निकाल कर देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं है, आज की वीडियो आप कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट देखिए और नोट्स जरूर तैयार करें। नोट्स तैयार करने से यह होता है कि आप जब उस चीज को 1 महीना या 2 महीने बाद भी देखते हैं तो आपको वो पुरानी मेमोरी ताजा हो जाती है, जब सर पढ़ा रहे थे, सर ने किस तरह बताया होगा, कॉन्सेप्ट किस तरह दिया होगा, ये उस समय आपके सामने सचित्र वर्णन स्टार्ट हो जाता है, आपको सजीव चित्रण मिलता है। तो आप नोट्स जरूर तैयार करें और अपने हिसाब से तैयार करें, ऐसा नहीं है कि आप सर जो बोर्ड पर लिखा दिए उसको आप छाप दिए, ये छापने वाली काम हमें नहीं करनी है, वो हम लोग स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में करके देख चुके हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना है। तो नोट्स अपने अनुसार तैयार करें ताकि आज से 6 महीने बाद या 6 साल बाद भी आप उसे देखें तो आपको वह सजीव चित्रण पुराना याद आ जाए जब सर पढ़ा रहे थे, और उस नोट्स को यूज भी करना है, यूटिलाइज करना है। हैंडआउट्स जो सर देते हैं वीडियोस के दौरान, क्लासेस के दौरान, उस हैंडआउट को सॉल्व करना है। और बाजार में अगर कुछ किताबें उपलब्ध है, हालांकि सर की किताबें तो अब आना शुरू हो गई है, मेरे समय में तो थे नहीं, तो मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करता था, लेकिन अभी सर की किताबें आ चुकी है, मैंने अभी भी परचेस किया है, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उन किताब को सॉल्व कर सकते हैं, उन पुस्तकों को आप सॉल्व कर सकते हैं सर जी। चले एक जो अगला सवाल है जो कि आपकी पृष्ठभूमि से भी आता है जी सर, और ये कि जो वर्किंग लोग होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं या जो मैरिड लोग हैं जी सर, वो भी बहुत हमारे बैचेस के अंदर बहुत सारी जो है मैरिड लेडीज जो हाउस वाइफ है ऑलरेडी, बट वो तैयारी करती है, पढ़ती है जी, और ये लिटरली बहुत बड़ी बात है घर संभालते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखना जी। तो खासतौर से ये दो वर्ग के लोग हैं, यानी जो वर्किंग है ऑलरेडी या जो मैरिड हैं जी, उनकी तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सफल हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप एक
उसको कहते हैं ना कि मतलब सजीव प्रमाण है यहाँ पे, प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके साथ, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ ट्रांसलेटर के साथ, तो आपको भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप उस जर्नी को जिए हुए हैं, तो आप जरूर ये बताएं कि ये काम कैसे किया जा सकता है और करना तो पॉसिबल है, वो तो आपके रिजल्ट ने बता दिया, तो थोड़ा सा इन दो पक्षों को ध्यान में रखते हुए कि जो वर्किंग लोग हैं और जो मैरिड लोग हैं वो तैयारी को कैसे करें। जी सर, असल वर्किंग होने के नाते मतलब आपकी तो ये जिम्मेदारी है कि आपको काम तो करना ही होगा, क्योंकि आप काम से भाग नहीं सकते हैं। आप यह सोचेंगे कि अपना पुराना दिन आ जाए कि बिफोर जॉब में जैसा था वैसा बनकर पढ़ाई करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप काम नहीं छोड़ सकते हैं, खासकर तब जब आप परिवार में हैं। तो आपको टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा ही है, किसी के लिए 25 घंटा या 30 घंटा नहीं है सर। तो उन 24 घंटा में काम का समय खत्म करने के बाद आप ये देखिए कि आप कौन कौन अननेसेसरी काम को छोड़ सकते हैं, जिसको आप छोड़कर अपने लिए समय निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको अपने लिए समय निकालना है, समय निकालना आपके हाथ में है। आप जो समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं बिना मतलब का वीडियो देखने में या कुछ भी अन्य कामों में, वहां से आपको समय निकालना होगा। थोड़ा सा सर नींद को त्यागना होगा सर, नींद को त्यागना सबसे बड़ी समस्या है हर लोगों के लिए। मैं ये इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी जब मैं पेट्रोलिंग करता था, सारा रात जब नहीं सोता था, तो मुझे एहसास होता था कि सारा रात में जगा जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं सोऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हम ह्यूमंस के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। बिल्कुल सर, और जब ऐसे मौके आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि मैं ये भी कर सकता। बिल्कुल सर, पहले पेट्रोलिंग के द्वारा नहीं मुझे मालूम चला कि नहीं, रात को नहीं सोने से इंसान मरता नहीं है। अगर आपको दिन में समय नहीं मिल रहा तो आप रात को टाइम निकालिए, अगर आपको रात को टाइम नहीं मिल रहा तो सुबह टाइम निकालिए, शाम को टाइम निकालिए, अपने खाने के टाइम को कम कर दीजिए, नहाने के टाइम को कम कर दीजिए, समय आपको निकालना होगा, किसी न किसी जगह से समय को चुराना होगा। आज आप समय चुराएंगे तो कल आपका समय ही समय होगा, लेकिन अगर आज आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो जिंदगी भर समय के लिए तरसेंगे। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैसे भी टाइम निकालिए, हर इंसान के काम है, हर इंसान व्यस्त है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ काम है, लेकिन आपको उन कामों में से समय निकालना होगा। और दूसरी बात सर कि जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, जिनका फैमिली है, अगर महिलाएं हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूं आपके परिवार के लिए कर रही हूं। अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी को प्यार दीजिए, उनको प्यार से समझाइए कि मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, या आपके लिए कर रहा हूं, या हमारे बच्चे के लिए, या हमारे परिवार के लिए कर रहा हूं। तो आपसी समझ से ही हो सकता है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, वो आज भी सपोर्ट कर रही है मुझे आगे बढ़ने के लिए। वो अभी भी कहती है कि आप पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ाई रोका नहीं है, मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एक बेटा है 3 साल का और पत्नी काफी सपोर्ट कर रही है। मैं हालांकि पत्नी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पत्नी समझ रही है कि आज वो जो भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। समाज में क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, सामाजिक क्रेडिट उसको भी मिलेगी। उसी प्रकार अगर पत्नी है, अगर वो कुछ कर जाती है, कुछ अच्छा बनती है, तो सिर्फ पत्नी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनको पति को भी सम्मान मिलेगा, पति को भी उसको सामाजिक हक मिलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी जीवन साथी है, स्पाउस है, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको समझाएं कि बस ये 1 साल या ये 2 साल, तैयारी के लिए 1 साल काफी होती है। 1 साल अगर आप जम के पढ़ेंगे, जम के तैयारी करेंगे और सर का वीडियोस देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर सर कोई भी रिजल्ट हो सकता है सर। 10 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, 1 साल काफी है सर। जब जो करना है तब वो करेंगे, तो जब जो मिलना है तब वो मिलेगा। बिल्कुल, जो आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि काम तो बहुत सारे हैं पूरे दिन में, लेकिन उसमें ये समझना है कि इस समय कौन सा काम जरूरी है। जी सर, या जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है जी, ये बहुत सीधी सी बात है कि हमें पता भी होता है कि कौन सा काम मुझे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है और कौन सा काम लक्ष्य के दूर से दूर कर रहा है। जी सर, तो जो काम आपको लक्ष्य से दूर कर रहा है उन कामों को थोड़े समय के लिए हटाएं जी, और जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, साथी संगी हैं, जो पूरा माहौल है पढ़ाई लिखाई, वो सब ऐसी ही होनी चाहिए जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए। तो डेफिनेटली फिर आप भी कुंदन की तरह बिल्कुल सफल हो सकते हैं। और कुंदन, जैसे आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, उनके रोल का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं। जी सर, राइट, और थोड़ी सी जो, क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं कर पाए सीधी, हम आपकी सफलता की, बहुत बड़ी सफलता थी और है वो, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे बड़ी सफलताएं आगे अर्जित करेंगे। तो थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। जी, असल में मेरा जन्म सिलीगुड़ी में हुआ है, और सिलीगुड़ी छोटा सा शहर है लेकिन काफी खूबसूरत शहर है, सपनों का शहर है, सभी को आना चाहिए एक बार सिलीगुड़ी। और मैं बचपन से संयुक्त परिवार में रहा हूँ, मेरे दादाजी, उनके 3 लड़के संयुक्त परिवार में रहे हैं सभी। तो संयुक्त परिवार के सर काफी फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदे ये है कि सर आप सभी आपसी सहयोग कर सकते हैं, किसी भी समस्या में सभी को आपके साथ खड़े हैं। लेकिन नुकसान यही है कि सर जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ करना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा सभी से डिसीजन लेने होते हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। दूसरे सर एक आर्थिक समस्या होती है कि आप जैसे कि किसी चीज को करने के लिए आपको बड़ी रकम चाहिए, तो सभी से हाँ हाँ चाहिए, सभी का हाँ भरना जरूरी होता है उस समय।
तो क्लास 12 तक सर मेरी पढ़ाई काफी अच्छे से हुई, मेरे पिता का काफी सहयोग रहा है, मेरी माता पिता दोनों का सहयोग काफी रहा है। तो 12th पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद पापा का आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं है, उनका मतलब कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर मैं ये डिसीजन लिया अपने आप में। पापा जो है वो अर्निंग मेंबर थे, हाँ जी परिवार का, जी जी परिवार का, संयुक्त परिवार की वजह से जो जिम्मेदारी, बिल्कुल सर संयुक्त परिवार की जो सारी जिम्मेदारियां होती है घर के बड़े बेटे होने के नाते वो पापा पड़ी थी सर, तो इसलिए मैं पापा को, मुझे लगा कि जब मैं 12 पास हो गया सर, मुझे ऐसा फील हुआ कि आगे की पढ़ाई मुझे खुद ही अपने तरफ से करनी चाहिए, अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपने खर्च पे करनी चाहिए, क्योंकि पिता पर मैं कब तक बोझ बन के रहूं। 18 साल का हो चुका हूं, मुझ में इतनी काबिलियत हो चुकी है कि मैं ट्यूशन कर सकता हूं। बिल्कुल। तो फिर मैं सर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और मैंने डिस्टेंस में एडमिशन ले लिया सर, मैंने इग्नू से एडमिशन लिया और सर मैंने इग्नू से ही बीए और इग्नू से एमए कंप्लीट किया है। और ऐसा नहीं है कि सर मैं इग्नू से पढ़ा हूं तो मैंने विस्तार से नहीं पढ़ा, मैं सभी किताबों को गहन अध्ययन किया, उस समय मैंने नोट्स बनाया। कुछ लोग होते हैं सर सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ते हैं कि हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैं फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नहीं होगा, अगर उसके अंदर के ज्ञान नहीं है तो फिर मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा। तो मैं नोट्स बनाता था, सभी बुक्स लिया, सभी बुक्स कंप्लीट किया और मैं ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालकर और जो भी बाकी खर्च निकालकर पढ़ाई किया और कुछ अपने लिए भी रखा जी। तो इस तरह से मैंने बी और एमए कंप्लीट किया सर हिंदी। क्या बात है, जिसको कहते हैं ना कि ये आपकी उपलब्धि में एक और ये उपलब्धि जुड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो अभी भी ये मानसिकता है, और मैं क्लासेस में भी इस बात को लेकर के बोलता हूँ कि डिग्री जो है वो वाला इम्पोर्टेंस नहीं रखती जो शायद 30 साल पहले 40 साल पहले थी जी। तब पढ़ाई लिखाई कम होती थी, जो थोड़ी भी पढ़े लिखे होते थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। तो अगर आप आज भी उस मानसिकता से है कि नहीं डिग्री लेकर के मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो वो नहीं है। और खासतौर से डिस्टेंस लर्निंग के साथ, मतलब आपने पढ़ाई की डिस्टेंस लर्निंग के साथ, तो बहुत सारे लोग से सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं। जी सर, जी सर। तो आपका जो डिसिप्लिन रहा है ना कुंदन थ्रू आउट, वो डिसिप्लिन ही इस सफलता का सबसे बड़ा कारक है, मैं ये आपको मानता हूँ। बिकॉज वो इग्नू से जो आपने पढ़ाई की, उस पढ़ाई में मेहनत दिखाई होगी तभी ये काबिलियत राइट, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाए। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ठीक है कुंदन, तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। एक तो मैं सौभाग्यशाली इस मामले में भी समझता हूँ अपने आप को कि करियर विल का की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला, हमारे राकेश सर ने वो भरोसा मुझ पे दिखाया जी, जी, और जब हमने शुरू किया था तो हम भी इस चीज को लेकर बहुत स्केप्टिकल थे क्योंकि एक नया प्रयोग था वो जी, जी, और वो प्रयोग सफल हुआ जी। अक्टूबर 2018 में जर्नी शुरू हुई, मेरा पहला बैच उसी समय आया था, इंग्लिश स्पेशल बैच, और आप भी उसी जर्नी आई थिंक सेकेंड या थर्ड बैच में आप आए थे, तो जर्नी हमारी लगभग साथ ही शुरू हुई है। और करियर विल भी आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही आज इस लेवल पे पहुंचा है, उनके प्यार की वजह से पहुंचा है। हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि खास तौर से जो रिमोट लोकेशंस में स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपने शुरू में भी बताया, बहुत सारे लोगों के लिए दिल्ली आकर के तैयारी कर पाना या पढ़ पाना मुश्किल होता है, और खासतौर से रिमोट लोकेशंस में तो वो और भी बड़ी दिक्कत है जी सर। आप सिलीगुड़ी से आते हैं, इतने दूर दराज के क्षेत्र में होते हुए इस ऐप से आपने फायदा उठाया, अपने आप को इक्विप किया, तैयार किया, और सबसे बड़ी बात की जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात है वो आपने करी कि भाई जब आप ट्रैकमैन थे तो आपने बताया उससे वो 1800 ग्रेड पे की नौकरी जी सर, और अगर आप शायद इस जॉब में नहीं आते तो आप 2800 ग्रेड पे में रिटायर भी हो जाते थे जी सर, और अब आप 4200 ग्रेड पे में जी सर, और अब आप अपने आप को आपने तैयार कर रखा है यूपीएससी के। बिल्कुल सर। तो ये हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कुंदन का, जो हमने ये सेशन, क्योंकि संजोग की बात थी, हिंदी पखवाड़ा चल रहा था जी जी। कुंदन सरकारी काम से यहाँ आए थे, मिनिस्ट्री के हाँ। काम से, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैं दिल्ली आ रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आइए मिलते हैं। और क्योंकि वैसे संजोग बनता ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सफल होते हैं, अपनी अपनी नौकरियों में होते हैं, जॉब में होते हैं, हम भी दिन भर क्लासेस में होते हैं, तो जब भी इस तरह का अवसर मिलता है तो हम चाहते हैं कि भाई जब आपके बीच का कोई इस तरह की जर्नी जीते हुए सफलता अर्जित करता है, तो ये हमारे जो इस समय तो परिवार हमारा करियर विल का बहुत बड़ा हो गया सर, 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मुझे लगता है कि शायद जब आप आए थे तो उसमें 50,000 रहे होंगे मुश्किल से शुरुआती दिनों में। तो ये जर्नी कुंदन जैसे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह से, और जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आकर के अपनी जर्नी शेयर करें, क्योंकि जब आपसे बात होती है तो पता लगता है कि अच्छा आपने किन किन पड़ावों को पार किया इस सफलता को अर्जित करने के लिए, और आपकी ये सफलता आप जैसे जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कुंदन ने कहा कि ये जो हमारी उम्र होती है 20s वाली, इसमें बहुत सारे तरह के द्वंद होते हैं,
फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत तरह का सोशल प्रेशर है, फैमिलियल प्रेशर है, बच्चे का अपना प्रेशर है कि मैं कैसे प्रूफ करूं अपने आप को। कई बार उसको समझ में भी नहीं आता कि रास्ता कोई दिखा देता यार तो काम बन जाता मेरा। तो हमारा काम एक मेंटोर के तौर पे, कोच के तौर पे, गाइड के तौर पे वो रास्ता दिखाना है। हम डायरेक्शन आपको दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। उसके बाद अगर आप वो करेंगे, उन चीजों को प्रैक्टिस में उतारेंगे, अभ्यास में लेके आएंगे, तो आपकी आदतें बदलेंगी और जो आदतें हैं हमारी वही धीरे धीरे स्किल में कन्वर्ट होती हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू आर सपोज टू परफॉर्म इन अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन, तो उसके लिए खास तरह की स्किल चाहिए और वही स्किल आपको फिर एक परफॉर्मर बनाती है। तो हम सिर्फ पहले पड़ाव तक हमारा काम सीमित होता है, गाइड करने का, कोच करने का, क्यों, क्या और कैसे, बाकी सारी जिम्मेदारियां आपके साथ हैं। और अगर आप कुंदन जैसे डिसिप्लिन तरीके से उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे राइट, तो फिर आपकी आदतों में बदलाव होगा। और आदतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कुंदन ने कहा कि जितने भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस थी उन्होंने उनको एलिमिनेट किया, उन ऐप्स को हटाया, और जहां मौका मिल रहा है, मतलब इस तरह के जॉब के अंदर जो इतनी टैक्सिंग जॉब है उसमें भी जब मौका मिल रहा है तो वो क्लासेस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और आई थिंक कुंदन के जमाने में तो तब हमारी वैलिडिटी भी 6 महीने की होती है, काफी कम। अब तो आपके पास 1 साल की वैलिडिटी है, अब तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी साथ देते हैं, तो कंटेंट भी ज्यादा पहुंच गया, बड़ी सुविधाएं हो गई, अब तो आपको क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं हमारी तरफ से। तो जब डिसिप्लिन है अगर आप, तो इतनी सारी सहूलियत के साथ, और खासतौर से इस प्राइस पॉइंट में, कुंदन वही बता रहे थे कि सर हम तो 3 महीने 4 महीने में उतना तो मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं जितनी हमारी कोर्स फीस होती है। और करियर विल का मिशन यही है कि हम दूर दराज के इलाकों, जो Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6 सिटीज हैं जहां पे एक्सपोजर ही नहीं है, या वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो उस लीग में है ही नहीं। जैसे कुंदन ने खुद बताया कि वो जिस परिवेश से आते हैं वहां पे एक ग्रुप डी की जॉब भी पा जाना या सरकारी नौकरी पा जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो शायद कुंदन अपने आप को वहां रोक सकते थे जी, लेकिन इनके उस उन मित्र ने, राकेश ने, और वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एक सच्चे मित्र का रोल निभाया। और आजकल ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं सर, अगर ऐसे 1-2 मित्र हमारी जिंदगी में हो तो और ज्यादा मित्रों की हमें जरूरत ही नहीं राइट। तो उन्होंने जहां जरूरत थी फटकार लगाने की, फटकार भी लगाई कि कुंदन के अंदर की आग जगे कि भाई मैं यहीं पर लिमिट मुझे नहीं करना, ठीक है मैं जिस परिवेश से आता हूं उनकी अपनी सोच का एक दायरा है, तो उन उस दायरे में तो ये सफल हो गए। लेकिन अब ये कुंदन की जिम्मेदारी कि अगर वो उस दायरे को बढ़ा पाए, उन सपनों को बड़ा दिखा पाए जिस परिवेश से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, तो उस परिवार को बुरा तो नहीं लगेगा। आज जब कुंदन अपने गांव में जाते होंगे तो पता नहीं कितने सारे युवाओं को इंस्पायर करते होंगे कि भाई जो जिस जॉब प्रोफाइल में ये आए थे अगर उसी में रह जाते तो 2800 ग्रेड पे रिटायर हो जाते, आज 4200 ग्रेड पे हैं और आगे अवसर हैं। और अभी मुझसे ये कह रहे थे कि सर पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई हमारी, आप जिक्र कर रहे थे, आपकी पत्नी भी इस बात को कहती है कि काश पहले ये मुलाकात हुई होती तो आप कहीं और होते, लेकिन भाई ये जिंदगी में जब जो लिखा होता है तब होता है, तो पीछे पे हम ज्यादा अफसोस नहीं कर सकते। जी, जी। और अभी भी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, जैसे आप बता रहे थे अभी 4 साल आपके पास है यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए, तो एक ग्रुप डी की जॉब पाने वाला लड़का अगर अपने आप को इस लेवल तक उठा सकता है तो हम सब उठा सकते हैं। आप अभी कभी भी अपने आपकी अपने पोटेंशियल को लिमिटेड ना करें राइट, हम ही होते हैं जो अपने आप को लिमिट करते हैं और हम ही हैं जो उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्मॉस है उसी की ताकत हमारे पास भी है मिनिएचर फॉर्म में, ये अनंत आकाश हमारा है। और अगर आप ईमानदारी से डिसिप्लिन मैनर में जो आपका लक्ष्य है उसके लिए अपने इनपुट्स देते हैं, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोके। सो कुंदन बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, चले अपना समय निकाला इस शेड्यूल से, और आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और जो आप आगे चाहते हैं वो आप अचीव करें, करियर विल परिवार, पूरे परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।